भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम इकाई की एक बैठक जिला कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई, जहां पार्टी के प्रदेश कमेटी के नेता राजेंद्र यादव शामिल हुए। उनके द्वारा पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए। आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस बैठक में खासकर सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। वहीं पार्टी के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व झारखंड राज्य के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद की बैठक आज साक्षी के प्रधान कार्यालय में चल रहा है। सबसे मेन है हमारा कि जिले के अंदर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, और इसके लिए सघन सदस्यता अभियान पूरे जिला में चलाया जा रहा है। हमारे पर्यवेक्षक के रूप में आज राजेंद्र यादव जी राज्य के नेता हमारे आए हुए हैं, और बैठक में तय किया जा रहा है कि सभी प्रखंडों में, सभी शाखाओं में जाकर के, सभी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के नवीकरण को पहली प्राथमिकता देते हुए उसे पूरा किया जाए, और बहुत जल्द कम्युनिस्ट पार्टी को पुनः अपने अस्तित्व में लाने के लिए जो संघर्ष की ज़रूरत है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य और केंद्रीय पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेगा हम लोग उस पर अपना कार्यक्रम करेंगे। अभी इस तरह के कार्यक्रम राज्य नेतृत्व में है कि कहां कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, जैसा दिशा निर्देश आएगा उसको हम लोग तय करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।